-3 +5 और +3 ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर है, लेकिन -3 जो होता है जिस कंपाउंड में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती है। ये बहुत ही रियल केस में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनते हैं, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इनमें +5 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पर शो करते हैं। यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपका बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया और ये क्या होगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, सॉरी ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट है, और ड्यूप्लेट कंप्लीट होने के कारण ये क्या करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे, जिसके चलते मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने के कारण इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पास बड़ी डिफिकल्ट से निकाले जाएंगे। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये अभी हम आगे बताएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये जो ग्रुप 15 होते हैं ये +5 और +3 का कंफर्मेशन और कंपाउंड शो करते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जो स्टेबल होते हैं, जो भी आप नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मिथ के कंपाउंड आप देखेंगे उन सभी कंपाउंड में +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इन सबका होगा। अगर इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और +3 है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जिन कंपाउंड्स में इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि उस समय उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पाया जाता। मेटालिक कैरेक्टर के इंक्रीज इन ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है ग्रुप में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन रेडियस। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता है, यही कारण है कि मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन को छोड़कर सभी एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 15 में जो एलोट्रॉप का फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब एलोट्रॉप नहीं बनाता, नहीं तो बाकी सभी एलोट्रॉप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एक इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है, और उसमें डी ऑर्बिटल्स की कमी होती है। ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन की साइज सबसे छोटी होती है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते। जैसे देखिए 2s s में डी ऑर्बिटल होंगे, नहीं होंगे, s में दो ही ऑर्बिटल होते हैं s और p। 2 में आपके दो ही ऑर्बिटल होते हैं s और p, 3 में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं s p और d। तो नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि ये ऑक्टेट तक एक्सपेंशन नहीं करता है। एंड टेंडेंसी टू फॉर्म पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड, और ये पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। किसी भी कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करे या अपने खुद अपने आप मतलब सेम एलिमेंट हो या अदर एलिमेंट हो किसी के भी साथ अगर नाइट्रोजन रिएक्शन करता है तो वह क्या करेगा, पाई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पाई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन जो है -3 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, मतलब नाइट्रोजन 8 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने के कारण उनकी
पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड बन गया, पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड ये शो करता है कि नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है वह अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट के बिहेवियर से क्या है, डिफरेंट है। और यही कारण है कि नाइट्रोजन माइनस थ्री से लेकर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता। इसको नोट कर लीजिए।